बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। वो है गार्लिक में मोज़रेला चीज़। गार्लिक के अंदर हम बनाएंगे, इसे देखिएगा बहुत मज़े की होगी। सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध लिया है, और ये गाय का दूध है, बेहतर है आपके पास गाय का दूध हो, क्योंकि इसमें से ज़्यादा चीज़ निकलती है। इसके लिए मैंने सिरका लिया है, मे भी इसमें कितना जाए, फ़िलहाल मैंने आधा कप सिरका लिया है। दूध की क्वालिटी पे होता है कि कैसी क्वालिटी है, तो सिरका भी उसी हिसाब से जाता है। और इसके लिए मैंने लहसुन के 2 जवे लिए हैं, और ये सब्ज़ लहसुन की रूट्स लिए हैं कुछ मैंने, इसे भी मैंने बारीक कट कर लेना है। और जो ये लहसुन है ये, इसे भी मैंने ये कद्दूकश कर लेना है, इसे इस तरह ये बारीक कद्दूकश हो जाएगा इससे। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए, और इसे मैं बारीक कट कर लेती हूँ। इस तरह छोटा छोटा हमने कट करना है। आप चॉपिंग बोर्ड पे कट करें, हाथ से करें, बस बारीक बारीक करना है। जितना हमारा ये दूसरा वाला लहसुन है जो खुश्क वाला है, ये पत्ते भी इसके इसी तरह काटने हैं हमने, इस तरह बारीक बारीक इस तरह मैं काटती हूँ। उसके बाद फिर शुरू करते हैं हम चीज़ को बनाना। ये दूध को मैंने चूल्हे पे रखा है, इसकी दरमियानी आँच चूल्हे की जल रही है। अब मैंने इसे ऐसे फिंगर अंदर रखनी है, जब मुझे नीम गर्म लगेगा तो मैंने चूल्हे की फ्लेम बंद कर देनी है। ये 1-2 सेकंड में ही हो जाता है गर्म। जितनी मेरी उंगली इसके अंदर बर्दाश्त कर रही है उस हिसाब से मैंने इसे ये बनाना है। ज़्यादा गर्म नहीं करनी हमने। इसे मैंने चूल्हे से नीचे उतार लिया है, क्योंकि इसके बर्नर गर्म होते हैं, नीचे जो इसका बर्नर है और साइड पे राड भी हैं वो गर्म रहते हैं, तो इससे ये चीज़ ज़्यादा गर्म रहती है। मैंने चूल्हे से इसे हटा दिया है। अब मैं इसके अंदर ये उंगली डाल के देखूंगी। ये देखें इसके अंदर मेरी उंगली सही गुनगुनी सी है, इतना गर्म नहीं है ये। अब मैं ये सिरका डालती रहूँगी इसके साथ साथ, और इसे आहिस्ते आहिस्ते हिलाती रहूँगी। ये देखें लच्छे बनने शुरू हो गए हैं, ये देखें चम्मच के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा डालते रहना है। ये देखें अभी, ये देखें बड़े लच्छे बड़े हो गए हैं कुछ। अभी मैं मज़ीद हिलाती रहूँगी इसे। सिरका कम लग रहा है, अब मैं सिरका इसके अंदर और डालूंगी। ये देखें थोड़ा सा सिरका मैंने और डाला है, 3 से 4 टेबलस्पून एकदम से। ये देखें सारा ये दूध चीज़ में कन्वर्ट हो गया है। इसके अंदर मैं इसी तरह, इसके अंदर ये 1 टेबलस्पून मैंने कद्दूकश किया हुआ ये लहसुन लिया है खुश्क वाला, और पत्ते वाला भी 1 टेबलस्पून है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसकी। अब मैं इसे हाथ से इकट्ठा करूँगी। ये देखें माशाल्लाह से मेरी दोनों हाथों को मैं ऐसे बंद करती हूँ तो इतनी सारी 1 किलो दूध में से ये निकली है चीज़। मार्केट से लेने जाएं तो ये कितनी महंगी है। बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ से मिलती भी नहीं है ये। इसी तरह सारा लहसुन भी मैं इसका इकट्ठा कर लिया है मैंने, ये इसी के अंदर जाएगा। इसका सारा पानी निकाल लूँगी। अभी ये पानी नीम गर्म है,
जिस तरह का था वैसा ही है, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ। ये मैंने हल्का सा नीम गर्म पानी लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी ताकि इसके अंदर इसका टेस्ट आ जाए हल्का सा। अब मैं ये चीज़ उठा के इसके अंदर रख दूंगी। ये इसी तरह इसके अंदर पड़ी रहेगी और मैं इसी से इसको ढक दूंगी 1 मिनट के लिए। अब मैंने इसे इसका ढक्कन हटा दिया है और इसी के अंदर ये देखें अब दोबारा उठाऊंगी। थोड़े बहुत इसके जो लहसुन के ये पत्ते से हैं नीचे चले भी जाएंगे तो खैर है, अभी काफ़ी इसके अंदर मौजूद हैं। ये देखें लच्छे बनने शुरू हो गए हैं। अब मैंने दोबारा से गर्म पानी लिया है दूसरी दफ़ा और इसे मैंने इसके अंदर डिप किया है 1 मिनट। ये देखें इसके अंदर कितनी लचक है, ये देखें खींचते चली जा रही हूँ। इसे डिप करें, यह हाथ मेरे इसके अंदर डिप नहीं हो रहा इतना। थोड़ा पहले मैंने नीम गर्म लिया था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा बहुत दूध होता है या इस तरह की कोई चीज़ होती है वो निकल गए, और ये देखें ये फिर मैंने इसे गर्म पानी के अंदर डिप किया है थोड़ा सा, इतना कि मेरे हाथ अंदर मैं डिप करके सिर्फ इसे उठा सकती हूँ, इतना गर्म है। ये देखिए कितना लचीला और चीज़ बना है, इसके अंदर लहसुन मौजूद है, गार्लिक जो हमने डाला है वो मौजूद है, इसलिए मैंने ज़्यादा डाला था। आप ये देखें इसे मसलते रहें, आप जितना मसलेंगे आप हाथ तो आपके होंगे गर्म। ये देखें पहले तो हमने चीज़ निकाल ली थी मगर अगला प्रोसीजर जो करना है ना ये है, हमने इधर करना है, आपने वीडियो को गौर से देखना है। ये देखें खींची खींच रही हूँ, ये देखें खींचता ही चला जा रहा है। ये देखें फिर मैंने डिप किया है इसे अंदर, ये देखें दूध अभी अभी तक भी दूध थोड़ा बहुत निकल रहा है, जो निकल रहा है ये सफाई हो रही है इसकी अच्छी तरह, और जो चीज़ है वो हमें प्योर चीज़ मिल रही है। बस 4 से 5 मिनट आप इस तरह करें और फिर इसे मैं एक कप लूँगी इस तरह। इसके अंदर मैंने ये क्लिंक बिछाया है और इसके अंदर अंदर भी अभी चीज़ मौजूद है, ये भी मैं निकाल लूँगी अच्छी तरह। क्योंकि गर्म पानी में लहसुन की तो इतनी अच्छी स्मेल हो जाती है जो कि बहुत पसंद की जाती है। इसे आप डब रोटी के अंदर लगाएं, आप इसे पिज़्ज़े के अंदर लगाएं, आप इसे पराठे के अंदर लगाएं, आप कबाब के अंदर लगाएं, जिसके अंदर मर्ज़ी लगाएं आप इसे। ये देखिए इसे मैं बंद करके रख दूंगी और फिर फ्रिज में जब यह ठंडा हो जाएगा अच्छी तरह सेट हो जाएगा फिर मैं इसको आपको कट करके दिखाऊंगी। ये मैंने इसलिए डाला है कि इसे मैं उठा लूँगी आसानी से। ये देखें हमारी गार्लिक मोज़रेला चीज़ बनकर तैयार हो गई है। इसे मैंने फ्रिज में रखा था 2 से 3 घंटे, फ्रीज़र में रखें तो 1 घंटा। इसे आप कद्दूकश करें, चाहे आप कद्दूकश करके इस्तेमाल करें चाहे आप स्लाइस में कट करके इस्तेमाल करें इस तरह। अच्छे नतायज के लिए इसे फ्रेश की फ्रेश इस्तेमाल करें, अगर एक आधे दिन आपको रखना भी पड़ जाए तो इस तरह आप रैप करके रखें तो ये खुशक नहीं होगी, वरना अगर आप इसी तरह रख देंगे फ्रीज़र में तो ये खुशक भी हो सकती है। और इसके ये बारीक बारीक गार्लिक काटना है, चाहे बेशक आप ये वाला डाल लें चाहे सब्ज़ वाला डाल लें, दोनों में से कोई भी मौजूद हो दोनों भी डाल सकती हैं। ये हर वक्त मौजूद नहीं होता ना हर मौसम में होता है, तो आपने इसे जब मैंने दूध को सिर्फ गुनगुना करना है इसे एक ये छोटी फिंगर जो है इसे आपने डुबो के देखना है, बस उसी टाइम आपने चूल्हा बंद कर देना है और फ्रिज का आपने दूध नहीं लेना उबला हुआ या दूसरे दिन का या पहले दिन का, कोई भी दूध नहीं लेना, फ्रेश की फ्रेश ही इस्तेमाल करना है। और फिर उसे चूल्हे से उतार लेना है और उतार के आपने इसके वो अंदर सिरका डालना है, मे बी कितना सिरका डले कम से कम आधा डलता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 कप तक भी डल सकता है। सिरके की क्वालिटी और दूध की क्वालिटी कैसी है वो उसी वक्त काउंट होती है
फिर आपने इसे नीम गर्म पानी में एक दफ़ा डालना है, फिर दोबारा उसे तेज़ गर्म डालना है कि इतना कि मैं हाथ से अंदर से उठा हम हाथ से अंदर से चीज़ को उठा सके, बस इतना गर्म होना चाहिए। और फिर उसे उसे इस तरह स्ट्रेच करते रहें और लंबाई में स्ट्रेच करते रहें और बहुत अच्छी मोज़रेला चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।